नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भूपेश कालरा और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ न कुछ खास जगहों को आपसे मिलवाना हमारी पहचान है। आगरा में तो हम सब रहते ही हैं और जो लोग दर्शक देख रहे हैं दूर दूर से, उनको भी पता होगा आगरा में मनकामेश्वर मंदिर। परंतु आज हम आपको लेके चलेंगे आगरा के प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर। जी हाँ दोस्तों, आगरा के प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर जो 1555 ईस्वी से बना हुआ है। कहते हैं महाराजा अकबर के नवरत्नों में टोडरमल टंडन को स्वप्न में आके शिवजी ने दर्शन दिए थे, वहीं ये मंदिर स्थापित है। महारानी जोधाबाई हर प्रदोष काल में यहाँ रुद्राभिषेक दुग्धाभिषेक करने आती थी। आगरा की संकरी गलियों में माईथान में स्थित है ये प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर। आइए आज आपको पूरे प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर के बारे में विस्तृत रूप से बताते हैं और लेके चलते हैं। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्री शैल मल्लिकार्जुनम उज्जैनिया महाकाल ओमकार ममलेश्वरम परिल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमाशंकरम सेतबंदे तु रामेश्वरम नागेशम दारुकावनम वाणश्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम गुश्मेशम च शिवालयाय। नमस्कार दर्शकों, ये एक ऐसा द्वादश ज्योतिर्लिंग का मंत्र है जिसे सुन के शिव जी अति प्रसन्न होते हैं और शिव जी की महिमा तो अपरंपार है। कहते हैं शिव जी अजन्मा है, आदि अंत कुछ नहीं है शिव जी का, वो ही अनंत है। तो दर्शकों, उस अनंत स्वामी के चरणों में हम वंदन करते हैं और आज आप सभी दर्शकों लेके चलते हैं आगरा के प्राचीन मनकामेश्वर नाथ मंदिर में। दर्शकों, वैसे तो हम सब जानते हैं कि मनकामेश्वर मंदिर शहर के रावतपाड़ा में स्थित है, लेकिन आज विशेषकर आप लोगों के लिए आज हम आपको लेके चलते हैं आगरा शहर के प्राचीन मनकामेश्वर नाथ मंदिर में। जी हाँ, यह प्राचीन मनकामेश्वर नाथ मंदिर है जो सन 1555 ईस्वी से विराजमान है। कहते हैं महाराजा अकबर के समय जो उनके नवरत्न थे उसमें टोडरमल टंडन को शिवजी ने स्वयं स्वपन देकर अपने बारे में बताया था और कहा कि मैं यहाँ पे विराजमान हूँ, मेरी स्थापना कराओ। शिवजी की महिमा अपरंपार है। कहते हैं शिवजी अनादि अनंत हैं। दर्शकों, मैं हूँ भूपेश कालरा और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज़। जब भी हमारे जहन में मनकामेश्वर नाथ मंदिर की बात आती है तो हम सोचते हैं शहर के बीचों बीच एक मंदिर, लेकिन आज हम दर्शकों सिर्फ आपके लिए लेके आए हैं आगरा शहर में माईथान में एक जगह ऐसी है जहाँ है प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर। जी हाँ, प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर सन 1555 ईस्वी में ये मंदिर बना और कहते हैं शिव जी ने स्वयं यहाँ पे
टोडरमल को, जो अकबर के नवरत्नों में थे, उनको स्वप्न देके बताया कि मैं यहाँ हूँ। और मान्यता है, जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया, कि जोधा भाई भी हर प्रदोष काल में यहाँ रुद्राभिषेक करने आते। तो ये इतिहास है प्राचीन मनकामेश्वर नाथ मंदिर का, जो कि 1555 ईस्वी से यहाँ है। मंदिर के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, आपको बताएंगे। आइए आपको मंदिर में अंदर लेके चलते हैं। तो जैसा कि दर्शकों हमने आपसे कहा, हम आपको लेके आए हैं प्राचीन मनकामेश्वर नाथ मंदिर में। प्राचीन मनकामेश्वर नाथ मंदिर में आज हम आए हुए हैं। सन 1555 ईस्वी से बना हुआ है ये मंदिर, और कहते हैं अकबर के नवरत्नों में जो टोडरमल थे, उनको स्वप्न देके शिवजी ने बताया था कि मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ से निकालो, अर्थात मैं यहाँ नीचे ज़मीन में हूँ। और जब शिवलिंग निकाला गया टोडरमल टंडन द्वारा, तो यहाँ पे शिवजी जो प्रकट्य हुआ, कहते हैं प्राकट्य शिवलिंग है। और उसके बाद जोधा भाई यहाँ हर प्रदोष काल में रुद्राभिषेक करने आती थी। इतना प्राचीन इतिहास है, जैसा कि यहाँ के पंडित जी मुरली पंडित जी ने बताया। तो मुरली जी, क्या और इतिहास है यहाँ का? यहाँ यह जो भगवान शंकर की मूर्ति है, यह जमीन में गड़ी हुई थी। और जब राजा टोडरमल को स्वप्न हुआ, तब उन्होंने अपने पुरोहित जी गौरी शंकर जी से ये कहा कि मुझको इस प्रकार का स्वप्न हुआ है कि मैं यहाँ गढ़ा हुआ हूँ, इसके लिए अब आप प्रयत्न करें। तब पुरोहित जी ने अपने इष्ट भगवती गायत्री से निवेदन किया, और भगवती गायत्री ने स्वप्न में और ये बताया, अमुक स्थान के ऊपर एक रेखा खींच करके बताया कि इस स्थान के ऊपर भगवान शंकर का विग्रह जो है वो गढ़ा हुआ है। तब गौरी शंकर जी ने उसे अपने आप ही स्वयं बिना मजदूरों की किसी सहायता के खुरपी से रोजाना खोदना शुरू किया। लगभग 6 महीने पश्चात शिवरात्रि के दिन और यह शिवलिंग जो है प्रकट हुआ। गौरी शंकर जी आपके पूर्वज हैं? हाँ, गौरी शंकर जी हमारे पूर्वज हैं, और मैं उनकी 27वीं पीढ़ी में हूँ। जब उन्होंने इसे जब यह शिवलिंग के ऊपर का हिस्सा दिखाई दिया, उसी समय यहाँ एक महात्मा आकर उपस्थित हुए, और उन्होंने कहा, बच्चा अब मैं यहीं रहूँगा। वह कभी शिवलिंग को देखते थे और कभी उन महात्मा जी को देखते थे, कभी शिवलिंग, कभी महात्मा, कभी महात्मा, कभी शिवलिंग, इस प्रकार वह चकाचौंध में लगे हुए थे। और उसी क्षण यह पूरा शिवलिंग जो है वो आ गया। कालांतर में वह बाबा भोलेनाथ ही थे जो कैलाश से चले आए थे, और उनका नाम बटुकनाथ था। यहाँ उन्हीं के लिए कुटिया बनवा दी गई और एक कुआं खुदवाया गया, और वह यहाँ निरंतर तकरीबन 40 वर्षों तक रहे। रहने के पश्चात में उन्होंने अपने हाथ से ही एक गड्ढा खोदा, जो आपको बाहर आदि समाधि दिखाई देती है। वह गड्ढा खोदने के पश्चात शिवरात्रि के दिन चौथे पहर में पूजा करने के पश्चात और उस गड्ढे के अंदर उतर गए। उतरने के बाद उन्होंने पद्मासन लगाया और ब्रह्मांड के द्वारा अपने प्राणों का उत्कीर्ण किया।
यह वह समाधि है जहाँ पर व्यक्ति अगर सच्चे मन से कुछ भी मांगता है तो वह बटुकनाथ जी बराबर देते हैं। यह वह विग्रह है। अब इसके ऊपर एक ये मतलब है कि एक मुखौटा चढ़ा दिया गया है शिवलिंग के ऊपर, और यहाँ दोपहर के टाइम में भगवान शंकर का वास, जब मंदिर ये बहुत छोटा सा था और टूटा हुआ भी था, उस समय यहाँ दोपहर में भगवान शंकर श्वेत दाढ़ी वाले इसके ऊपर बराबर मतलब ये घूमा करते थे। यहाँ हमारे पूर्वज इसी स्थान के ऊपर बराबर पूजा करते थे, अभिषेक करते थे। मेरी आयु भी इस समय 82 साल की है। मेरे चाचा ने जिस समय शिवरात्रि को यहाँ अभिषेक किया और उसके बाद प्रणाम किया तो अपने शरीर को यहीं छोड़ दिया था, और उनका मतलब डेड बॉडी यहाँ से मतलब ये घर गई थी। इसी प्रकार यह कालांतर में चलता रहा, और इसके साथ ही टोटल में खत्री थे। खत्री होने के कारणवश खत्रियों की प्रथा के अनुसार यहाँ एक अनार का पेड़ लगाया गया, और जो टोटल मल के द्वारा लगाया हुआ था, और खत्रियों के जो मुंडन होते थे वह मुंडन होने के पश्चात में उनके बाल जो है वो उस पेड़ के नीचे गाड़े जाते रहे। आज भी उसका प्रतीक रूप या ये पेड़ बना हुआ है, और धीरे धीरे अब इस मंदिर का जो है वो विकास होता चला गया। पहले यहाँ केवल एक भगवान शंकर की ही मूर्ति थी, बाकी अन्य किसी देवता की मूर्ति नहीं थी। कालांतर में भक्तों की मतलब विशेष मतलब यह कि इच्छा होने के कारणवश ये अन्य देवी देवता जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये अभी केवल 5 वर्ष के अंदर यहाँ पर स्थापित हुए हैं। उससे पहले यहाँ कोई भी मतलब यह कि मूर्ति नहीं थी। तो जैसा कि मुरली जो यहाँ के पुरोहित रत्न हैं मुरली पंडित जी ने बताया है कि ये 27वीं पीढ़ी है तब से ये सेवारत हैं, और गौरी शंकर जी ने जब यहाँ सेवा संभाली थी वो इनके 27वें पूर्वज हैं, इनकी 27वीं पीढ़ी है। और नाथ संप्रदाय थे जो बटुकनाथ जी आए थे, तो इसलिए हम देख पा रहे हैं नाथ संप्रदाय के हमारे साथ अभिनाथ जी भी साथ में हैं। नाथ संप्रदाय से अभिनाथ पुजारी जी भी हमारे साथ हैं। यही वजह है कि नाथ संप्रदाय भी यहाँ से जुड़ा हुआ है, सबकी मान्यता है, और यही है पुराने मनकामेश्वर नाथ महादेव मंदिर। दर्शकों, मैं आपको दर्शन करा दूं, आप दर्शन कर पा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। पुराना मनकामेश्वर नाथ मंदिर यही है 1555 ईस्वी से, जहां कहते हैं स्वयं शिव जी ने स्वपन दे के अपने बारे में बताया था कि मैं यहां उपस्थित हूं शिवलिंग के रूप में। तो ये है वो प्राचीन पुराना मनकामेश्वर नाथ मंदिर। नाथ संप्रदाय से जुड़ा होने की ही एक ये वजह है कि आज हमारे साथ नाथ संप्रदाय से अभिनाथ जी भी इस मंदिर में हैं, जो यहाँ सेवारत हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। ये मंदिर अखिल भारतीय योगी महासभा के अंडर आता है। इनके हमारे आगरा के अध्यक्ष है योगी दीदारनाथ जी महाराज, उनका यह गुरुस्थान भी है। हमारे अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ है, हमारे मंत्री हरिद्वार में हैं। मैं यहाँ आगरा में भ्रमण करने आया था, तब हमारे गुरु पिरो ने आदेश दिया दीदारनाथ जी ने कि यहाँ मंदिर में आके रहे, सेवा पूजा कर। तब से मैं 5-6 साल से, वह 6ठा साल चल रहा है, 5 साल से मैं अविरत सेवा कर रहा हूँ यहाँ पे। इतना प्राचीन मंदिर है ये, मंदिर हमारा सौभाग्य है कि हमको यहाँ सेवा करने का मौका मिला। ये बटुकनाथ जी की क्या कहानी है? बटुकनाथ जी की कहानी तो हमको पता नहीं है, वो 1500 साल की जो आपने कुछ तो सुना होगा, यहाँ सुना है पूरा इतिहास वहाँ होगा गोरखपुर में। ये जब शिवलिंग निकल नहीं रही थी तब तो बटुक वहाँ कैला योगी आए, कान में कुंडल थे, वो आए तो क्या हुआ तो भाई पंडित जी ने बताया उनके बारे में, तो उन्होंने आए तो उन्होंने शिवलिंग उन्होंने ऊपर उठाई। बाद में वो यही रहे सेवा करने का, या कुइया बनाई गई थी उनके लिए, ऊपर एक टंकी थी, ऊपर जाने को सीढ़ी थी पुराने मंदिर में, वहाँ कुइया से पानी को टंकी में भरा जाता था। यहाँ जो फुवारा चलता था अष्ट धातु का, यहाँ एक नल टोटी थी, वो खोलने के बाद शिवलिंग के ऊपर सीधा जल जाता था। अभी वो प्राचीन सब खंडित हो गया है, इसी वजह से अभी ये नया निर्माण हुआ है। तो जैसा कि बताया, एक उस समय 1555 ईस्वी में एक योगी के रूप में, कहते हैं मान्यता है किद्वंती है कि स्वयं शिव जी महाराज ही आए थे और वो यहाँ रहे थे, आप यहीं इस मंदिर में रहे, और बहुत सी ऐसी बातें होती हैं। आज हमने आपको प्राचीन पुराना मनकामेश्वर नाथ मंदिर जो माइथान में है 1555 ईस्वी का, उसके आज आपको दर्शन कराए हैं। ये बहुत पुराना मंदिर है। मेरी शादी को 40 साल 45 हो गई, जब से मैं
नाम बहुत बड़ा है, पुराना मन कभी इसके नाम से बहुत वो है, कैसा बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आते हैं बहुत शांति होती है, और भी लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं, भजन कीर्तन भी होते हैं यहाँ। आपने पूछा होगा जब आप शादी होके आए उससे उससे ही पहले का मंदिर है? हाँ, उससे पहले नहीं देखा। आपका नाम क्या? आप इधर आइए। कुमारी, आप कब से आ रहे हैं? हमें तो ये 25 साल है हम आते आते। 25 साल से तो आप आए उससे पहले का मंदिर है? बहुत पहले। हाँ, बहुत पुराना है। तो कैसा लगता है यहाँ? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है भाई। शाम को भजन कीर्तन होता है? हाँ, सुबह संध्या भजन कीर्तन होता है, तो सवेरे भी होते हैं। क्या नाम क्या मंदिर का? पुराना मन का मिश्र माइथन। पुराना मन का मिश्र माइथन। हाँ, पुराना मन का मिश्र माइथन। मैं तो लगभग यहाँ किराए पर आया हूँ, उन्हें उससे पहले बागमती पर खाम में रहता था, वहाँ पर भी इनकी महिमा सुनी है हमने। पहले यहाँ पर कई नाथ लोग आते हैं सेवा वेवा करने के लिए, रहते हैं, सुनने समझे, पर लेकिन इसकी गान हम गा नहीं सकते हैं। ये बहुत ऐतिहासिक पुराना मंदिर है, ये कम से हम जानते हैं, लगभग हमको अंदाज तो नहीं बने कि कहते हैं कि राजा टोटल मल ने ही इसका स्थापना की थी जी। बिल्कुल इतनी शांति मिलती है जैसे कि वो हिमालय में बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ दर्शन कर रहे हैं जी। जी मेरा तो, मैं तो बचपन से आ रही हूँ भाई, मेरे तो जन्म ही यहीं का ही है, और मेरे से भी भाई जो जितने भी लोग हैं यहाँ के यही कहते हैं इस मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, 200 बरस पहले का मंदिर है, और हम तो भाई यहाँ के शुरू से पूजा कर रहे हैं, और ये बहुत पुराना मंदिर है, 200 बरस से भी ऊपर है। हाँ, यहाँ पर सुनते हैं जोधा बेगम पूजा करने आती थी पीछे से, और बहुत पुराना मंदिर है, मेरा तो जन्म यहाँ का है। हाँ, जोधा भाई भी यहाँ पर पूजा करने आती थी, ये चीज़ सुनिए, 500-600 साल पुराना है मंदिर जी, बहुत पुराना ही है, अच्छा लगता है, और मनोकामना यहाँ पे पूरी होती है, जो आते हैं जो भैया जो मानते हैं सच्चे दिल से तो पूरी होती है सबकी। यहाँ पर जैसे जो अंदर गली में, इस वजह से इसको ज़्यादा मानता नहीं हो पाती है किसी, बहुत लोगों को तो मालूम नहीं है, जो हमारे घर आते हैं हम सबको बताते हैं, बल्कि वो बनकपेश्वर वाला पुरान बात का है, ये उनसे पहले का मंदिर है, और यहाँ पे मनोकामना भाई सबसे भाई हमने तो माना है और देखा भी है, जो भाई यहाँ पे मानता पूरी होती है, भोलेनाथ भोलेनाथ से जो मांगो भाई पूरा होता है। पुराना मनकामेश्वर नाथ मंदिर की यही इतिहास पूरी आपको गाथा हमने बताई, और आपको बता दें जैसा कि आप मेरे ऊपर देख पा रहे हैं, इस प्रवेश द्वार के ऊपर गणेश जी जो यहाँ खुदाई मिले थे, आदि गणेश की मूर्ति एक ऐसी है जो बहुत कम हिंदुस्तान में देखने को मिलती है, जहाँ दोनों हाथों में आदि गणेश के नागपाश हैं। ये अपने आप में एक प्राचीन इतिहास बताती है ये मूर्ति। और पुजारी जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि आपने प्राचीन मनकामेश्वर महादेव के बारे में बताया, बहुत सारी यहाँ जानकारियाँ दी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे समाधि भी है, तो ये समाधि किनकी है? ये समाधि उनकी है जिस समय भगवान शंकर का प्रादुर्भाव हो रहा था और वह प्रकट हो रहे थे, उसी समय एक योगी और सफ़ेद डाली वाले, पीला वस्त्र पहने हुए, कान फटे हुए यहाँ उपस्थित हुए। तो गौरी शंकर जी कभी मतलब योगी को देखते थे, योगी जी को देखते थे, और कभी भगवान शंकर को देखते थे। तब उन बटुकनाथ जी ने कहा कि बच्चा
अब हम यहाँ इन मनका मेश्वरनाथ की सेवा करेंगे और अब हम यहीं रहेंगे और उनके लिए यहाँ सामने एक कुटिया बनवा दी गई। और ये जो सामने आप स्थिति देख रहे हैं, यह जो है एक कुआ है जो उनके लिए बनाया गया। इसी कुएं में यहाँ एक ब्रजेंद्रनाथ नाम के योगी आए थे। उनकी इच्छा थी कि जिस समय मेरी मृत्यु हो जाए, जब मैं अपना शरीर छोड़ दूं, तो मेरी समाधि इस कुएं के अंदर दी जाए। तब से इस कुएं के अंदर उनकी समाधि जो है वो दे दी गई। यहाँ जो आप बड़ी समाधि देख रहे हैं बटुकनाथ जी की, इन्होंने काफ़ी समय तक अपने लिए अपने आप एक 12 फुट का नीचे तक का एक गड्ढा खोदा और शिवरात्रि के दिन आखिरी पूजा करने के पश्चात वह इस गड्ढे के अंदर उतर गए और पद्मासन लगाकर और ध्यान मग्न हो गए और अपने प्राणों को अपने ब्रह्मांड से छोड़ दिया। और इसके पश्चात यह उन्हीं की समाधि है जिसे हम जिंदा समाधि के नाम से पुकारते हैं। इस समाधि से हमें जो कुछ भी सच्चे मन से मांगना होता है वह सब इससे प्राप्त होता है। तो ये इतिहास है इस पुराने मनकामेश्वरनाथ मंदिर का, जहाँ कहते हैं योगी बटुकनाथ आए थे, जो शिव जी का ही रूप बताया कि वो शिव जी की सेवा करने आए थे। और भी समाधियाँ हैं, शीतला माता की मंदिर भी है यहाँ पे। ये बहुत ही पुराना इतिहास है। तो आज हमने आपको दर्शन कराए पुराना मनकामेश्वरनाथ महादेव मंदिर के। ऐसे ही अलग अलग जगहों के आपको दर्शन कराते रहेंगे। अपने कैमरामैन हरिबाबू के साथ भूपेश कालरा की रिपोर्ट।